फंक्शन की बात करते हैं, इसके फंक्शन में सबसे पहले इसकी हम ये जानते हैं कि ये मोबाइल है या इमोबाइल। मोबाइल और इमोबाइल मतलब दो तरह का जो एनवायरनमेंट पौधे को मिलता है, एक मिट्टी का एक ऊपर का, यानी विद इन प्लांट और एक जो मिट्टी है उसमें। तो मोबाइल एलिमेंट है ये मिट्टी के अंदर, लेकिन इमोबाइल है ये पौधे के अंदर, यानी पौधे के अंदर जहां ये जाएगा वहीं पे रहता है, ट्रांसलोकेट इधर से उधर नहीं होता। इसका मतलब इसकी जब डिफिशियंसी हम आगे देखेंगे तो वो जो यंग लीव्स होती है उनके अंदर आएगी। पौधा इसको जो लेता है वो BOH यानी माइनस में इसको लेता है, यानी एनायन है एक तरह से। तो ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। जैसे मैंने इसमें पूरी लिस्ट दिखाई थी अपने 16-17 न्यूट्रिएंट की कि कौन सा एनायन है कौन सा कैटायन है। तो ये एनायन में पौधा लेता है, माइनस फॉर्म में इसको लेता है। और आप ये देखिए कि 99.9% जो बोरोन है वो मिट्टी के अंदर रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट अनअवेलेबल फॉर्म में रहता है। ओनली 0.01% या 0.1% ही जो है वो अवेलेबल फॉर्म में रहता है। लेकिन क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसकी पौधे को कम जरूरत होती है, लेकिन जरूरत होती है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, इसके बिना उसकी लाइफ पौधे की पूरी नहीं होती। इसी तरह से इसका जो बैलेंस है शुगर और स्टार्च का, ये पौधे के अंदर ये मेंटेन करता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट, यानी जो एक पौधे की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण जिसको हम कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो एक तरह से पौधे के लिए जो खाना बना, मतलब पौधे की रसोई है पत्ती, उस पत्ती के अंदर फोटोसिंथेसिस से जो खाना बना वो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, उसकी ट्रांसलोकेशन के लिए हमारे को बोरोन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो पोलिनेशन और सीड रिप्रोडक्शन, पोलिनेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। यानी जितने भी हमारे ऐसी फसलें जिनको हम जिनमें फूल आते हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है फल सेटिंग के लिए। इसके मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी इसको आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा ये नॉर्मल जो सेल डिविजन है, नाइट्रोजन का जो मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन जो पौधे में बनती है उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो सेल वॉल होती है उसके भी फॉर्मेशन के लिए बोरोन बहुत जरूरी है। कई बार हमने देखा होगा कि हमारे जैसे टमाटर में फटने लग जाते हैं, तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि साहब आप बोरोन दो, कैल्शियम दो। तो जैसे हमने कैल्शियम में जाना था, कैल्शियम डायरेक्ट सेल वॉल का एक हिस्सा होता है, लेकिन जो ये बोरोन है ये उसको बनाने में मदद करता है, सेल वॉल को बनाने में। यानी जितना भी हमारे चाहे वो फ्रूट प्लांट हो, चाहे हमारी सब्जियां हो, चाहे दूसरे हम फसलें लगाते हैं, उसके अंदर जो सीड बनता है या जो उसका खोल होता है या जो छाल होती है, छिलका होता है, वो उसके अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन के जो प्रॉपर फंक्शन में ये बहुत काम करता है, इसका बड़ा रोल है। इसके अलावा जो गार्ड सेल होती है, गार्ड सेल किसको कहते हैं, हम गार्ड सेल कहते हैं जो हमारे पौधे के अंदर पर्णरंध्र होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। पर्णरंध्र दो गार्ड सेल से घिरे हुए रहते हैं, तो उसके अंदर वो गार्ड सेल में पोटास का रोल होता है और उस पोटास को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बोरोन की जरूरत पड़ती है। यानी अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो पोटास और बोरोन बहुत अच्छे आपस में दोस्त हैं, और इनकी दोस्ती को बनाए रखने के लिए बोरोन बहुत जरूरी है। नहीं तो पोटास क्या है, अकेला आलसी हो जाता है, वो जा नहीं पाता। तो इसका मतलब जो स्टोमेटा खुलने हैं या जो गार्ड सेल है उसके ऊपर स्टोमेटा जो पर्णरंध्र का खुलना और बंद होना निर्भर करता है, और उसके लिए ये जो बोरोन है हमारे को ये चाहिए। इसके अलावा जो नई ग्रोथ होती है पौधे की, आगे जो कच्चा हिस्सा जिसको हम कोम्पल कह सकते हैं या जो ग्रोविंग पार्ट होता है, उसके आगे बढ़ने के लिए बोरोन का बहुत बड़ा रोल होता है। जो लेग्यूम है यानी जो हमारी दलहनी फसलें होती है उनके अंदर जो नीचे जड़ों में गांठें बनती है उसके अंदर बोरोन का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये जैसे मैंने कहा कि ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर एंड स्टार्च, तो ये हमने देखा ही था कि जो फोटोसिंथेसिस में जो खाना बनता है वो शुगर और स्टार्च को ट्रांसलोकेट करने के लिए हमें बोरोन चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन और फास्फोरस के ट्रांसलोकेशन में भी इसका रोल होता है। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि हर जगह पे बोरोन बहुत इंपॉर्टेंट है पौधे के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारी जैसे हम गोभी लगा रहे हैं, गोभी में तो कोई फूल नहीं आ रहा, तो वहां पे इसका रोल नहीं है, नहीं,
उसका जो फ्लावरिंग वाला हिस्सा है वो उसमें उसका रोल नहीं है, लेकिन उसके अलावा उसमें बहुत सारे रोल होते हैं। मैं आगे आपको एक लिस्ट भी दिखाऊंगा कि कौन सी ऐसी फसलें हैं जो इसको ज्यादा पसंद करती है या जिनको बोरोन की ज्यादा जरूरत होती है। तो ये कुल मिला के एक इसके फंक्शन है, बहुत सारे एंजाइम हैं उनके अंदर भी इसका रोल रहता है। ये एक बैंगन के उसका फोटो है फूल का। जैसे हम जनरली हम देखते हैं कि जितनी भी हमारी फसलें हैं, चाहे सब्जियां हैं जो हम लगाते हैं, जिनके अंदर सीड बनता है या फल बनता है, चाहे हमारी फलदार फसलें हैं, आप चाहे नींबू लगा रहे हैं, किन्नू लगा रहे हैं, अमरूद लगा रहे हैं, कुछ भी लगाएं, पपीता लगा रहे हैं, जो फूल आते हैं उसमें दो हिस्से होते हैं, एक नर हिस्सा होता है और एक मादा हिस्सा होता है। आप इसमें फोटो में देख रहे होंगे, मैंने इसको डिफाइन किया है, फीमेल जो हिस्सा होता है उसको पिस्टिल भी कहते हैं, स्टाइल स्टिग्मा ओवरी उसको मिलाते हैं, तीन हिस्सों से वो मिलके बनता है। ऐसे ही उसके बाहर की साइड में जो है वो उसका मेल पार्ट है। अब इसका हमारे इससे क्या लेना देना है, ये मैंने इसलिए दिखाया है कि इसमें एक पोलन ट्यूब बनती है, जैसा इसमें आप देख रहे हैं जो ऊपर स्टिग्मा है, जो ग्रीन पार्ट इस फूल का दिख रहा है, ये स्टिग्मा है, यहाँ से वो नीचे ओवरी है जहाँ पे सीड सेटिंग होती है या फल बनता है। तो वहां से वहां तक जाने के लिए एक पोलन ट्यूब बनती है, यानी जो परागण होते हैं, मेल पार्ट जो होता है, नर पार्ट, उसमें क्या होते हैं, परागण बनते हैं, और जो परागकण बनते हैं, सॉरी परागण नहीं, परागकण बनते हैं, और एक पोलिनेशन की क्रिया होती है जिसको हम परागण कहते हैं या इंग्लिश में पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन किसको कहते हैं, जब परागकण स्टिग्मा के ऊपर गिर के और वो ओवरी तक जाके और फल को सेट करते हैं, या इसको हम दूसरी भाषा में फ्रूट सेटिंग भी कह सकते हैं। ये हर फसल में होती है, चाहे आप कोई भी फसल लगाइए, चाहे आप सब्जियां लगाइए, जिसके अंदर सीड बनता है उसमें हर एक में ये प्रक्रिया होती है। तो इसके अंदर ये जो स्टाइल है ये में भी अलग अलग हो सकती है। जैसे मक्का के अंदर बहुत बड़ी होती है, मक्का के अंदर नर और मादा इवन फूल भी अलग अलग आते हैं। नर फूल बिल्कुल ऊपर आता है और जो हम भुट्टा होता है उसके ऊपर जो जटाएं सी होती है बाल से जो हमको दिखते हैं, वो एक तरह से फीमेल पार्ट होता है, वो एक तरह से उसका स्टिग्मा है, वहां पे ऊपर से वो पोलन ग्रेन गिरते हैं और फिर उसके अंदर अंदर मक्का के भुट्टे में सीड बनता है। तो मक्का के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी फसलें सब्जियां हैं जिनमें फूल आते हैं उसके अंदर अगर बोरोन की कमी होती है तो ये जो फल सेटिंग है ये कम हो जाती है। मैंने बहुत सारी रिसर्च देखी है, वहां पे यहाँ तक भी पाया गया है कि 10 से 12% पैदावार आप बढ़ा सकते हैं अगर आप अपनी फसल में फ्लोरिंग स्टेज पे बोरोन का स्प्रे करते हैं। तो इसका मतलब ये जो है, इसकी जो पोलन ट्यूब बनती है, इस पोलन ट्यूब की लॉन्जिविटी यानी उसकी उम्र को बढ़ाता है, एक तरह से पोलन की जो परागकण की उम्र को बढ़ाता है, उसको जर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो इसका मतलब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अगर हमारी फ्रूट सेटिंग कम हुई तो अल्टीमेटली सीधा हमारा जो इसका असर है वो हमारी पैदावार पे पड़ेगा। बोरोन का जब जैसे बात करते हैं कितना कंटेंट होना चाहिए, इसकी मैंने आगे भी लगाई है, लगभग 10 PPM से लेके 100 PPM तक ये हमारी मिट्टी में होना चाहिए। इसके अलावा बोरोन जो हमारे अवेलेबल होता है वो इनऑर्गेनिक बोरेट कॉम्प्लेक्स में रहता है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के साथ में भी ये जुड़ा हुआ भी रहता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं हर मीटिंग में कहता हूँ, जितने भी जो माइक्रोब्स हैं, जो लाभदायक बैक्टीरिया, जीवाणु, फंगस जो हमारी मिट्टी में रहते हैं, उनका जब डिकम्पोजिशन होता है उससे भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं, उनमें से बोरोन भी एक है। अब इसको कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसकी अवेलेबिलिटी को प्रभावित करते हैं, यानी उनका हमको ध्यान रखना है। एक तरह से पीएच, पीएच की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हम मिट्टी की अभी बात कर रहे हैं, मिट्टी का जो पीएच है इसका बहुत बड़ा रोल होता है इसकी अवेलेबिलिटी के अंदर। जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उसमें से एक ही ऐसा न्यूट्रिएंट है जो अगर आपका थोड़ा सा भी हाई अगर पीएच होगा तो वहां पे ही अवेलेबल नहीं होगा, लो पीएच पे अवेलेबल होगा। तो इसलिए पीएच हमारा अगर बहुत ज्यादा लो होता है तो इसका मतलब वो अवेलेबल होगा, हाई पीएच पे ही अवेलेबल नहीं होता है।
जैसे मैंने कहा ये मोबाइल है मिट्टी के अंदर और माइनस में है, माइनस का मतलब हमारी मिट्टी भी माइनस में है, तो दोनों माइनस माइनस में होने के कारण मिट्टी इसको होल्ड नहीं कर पाती, तो इसका लीचिंग भी ज्यादा होता है। मतलब अगर हम ज्यादा पानी देंगे या हमारी हल्की मिट्टी है तो उसमें ये लीच डाउन भी हो जाता है। ऑर्गेनिक मैटर जैसे हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक मैटर जितना भी कार्बनिक पदार्थ जितना ज्यादा हम डालेंगे, बोरोन ही नहीं जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो सारे पौधे को बहुत अच्छे से अवेलेबल होंगे। अगर मॉइस्चर की कमी होगी, हमारी मिट्टी में नमी की कमी होगी, तो इसका अपटेक बिल्कुल रुक जाता है, दूसरों का फिर भी हो जाता है और जड़ों की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो हमारे खेत में मिट्टी में नमी की कमी से भी इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो प्रभावित होती है। तो जिनके ड्रिप हैं उनके लिए अच्छा है कि आप ड्रिप से पानी देते रहें। इसके अलावा कैल्शियम और बोरोन का जो एक आदर्श जो अनुपात होना चाहिए वो अनुपात होना चाहिए। अगर कैल्शियम आप ज्यादा देंगे तो वो बोरोन के अपटेक को घटा देती है, बोरोन के अपटेक को घटा देती है। लेकिन अगर हम कैल्शियम इसकी सहायक भी है, इसीलिए मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट भी आ रहे हैं जिनमें कैल्शियम के साथ बोरोन मिक्स है, अच्छी है। उसका कारण एक ये भी है कि कैल्शियम प्लस में होता है और ये माइनस में होता है, तो इनकी दोस्ती भी है, इसलिए इनको हम साथ में दे सकते हैं, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है वो हमको निर्धारित करनी पड़ेगी। इसी तरह से जिंक और बोरोन जो है उनकी आपस में जिंक जो है वो रिड्यूस करता है इसकी अवेलेबिलिटी को, लेकिन फास्फोरस जो है वो इसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। यानी अगर जिंक ज्यादा हो जाएगा तो इसका अपटेक घट जाएगा या अवेलेबिलिटी घट जाएगी, इनसोल्युबल फॉर्म में चला जाएगा, लेकिन अगर फास्फोरस अच्छी मात्रा में है तो इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। पीएच की जैसे मैं बात कर रहा था, आप यहाँ पे देखेंगे बोरोन जैसे इसमें है, आप देखिए 8 पीएच, यानी हमारा जो आदर्श मिट्टी का पीएच होना चाहिए वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे ये अच्छी मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। अगर इससे हमारा पीएच ऊपर जाता है, जैसे 8 पीएच जाता है, तो आप देखिए यहाँ पे खास करके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, यहाँ पे आप देखो आयरन ऊपर से मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे ऊपर से आयरन है वो बिल्कुल कम हो रहा है। आप मैग्नीज को देखो, हम आगे की क्लास में हालांकि लेंगे इसको, मैग्नीज तो बिल्कुल मिलना बंद हो जाता है। इसी तरह से बोरोन, इसी तरह से कॉपर और जिंक, यानी हाई पीएच पे जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उनकी, मोलिब्डेनम को छोड़ दे तो मोलिब्डेनम हाई पीएच पे पौधे को ज्यादा मिलता है, लेकिन हमें एक एक तो दे नहीं सकते या एक से हमारा काम चल नहीं सकता। इसलिए तो आदर्श जो रेंज है वो आप देखेंगे कि 6 से लेके 7 के बीच में जो पीएच होता है या 6 के आसपास का जो पीएच है वहां पे सारे के सारे न्यूट्रिएंट पौधे को मिलते हैं। तो हमको सारे न्यूट्रिएंट पौधे को देने भी जरूरी है, और इसीलिए हम आपको बार बार ये निवेदन करते हैं कि आप सोयल टेस्ट करवाइए। सोयल टेस्ट में हमको ये पता लगेगा कि हमारी मिट्टी का पीएच कितना है, इसके अलावा इनकी अवेलेबिलिटी भी पता लगेगी। आप डिटेल में सोयल टेस्ट करवाइए ताकि हमें ये भी पता रहे कि हमारी मिट्टी में कौन से न्यूट्रिएंट कितने हैं। तो जब हम खेत की तैयारी कर रहे हों तो उस समय पे अगर हमको कोई न्यूट्रिएंट देना हो तो हम कितना मात्रा में उसको दें। अभी इसकी जैसे मैंने कहा था हाई रिस्पॉन्स क्रॉप, यानी ऐसी फसलें जिनको बोरोन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे अल्फा अल्फा जो हम घास, ये जिसको हम रिज़का भी कहते हैं वो है, एप्पल है, ब्रोकली है, ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स स्प्राउट, ये जो एक तरह से ये इम्पोर्टेड वेजिटेबल है, केबेज है, आप में केबेज लगाने वाले काफी किसान हैं, कॉलीफ्लावर है, गाजर है, सलरी जो सलाद आता है वो है, सिट्रस है, सिट्रस में नींबू वर्गीय फसलें जितनी भी है वो सब आएगी, आपका नींबू हो चाहे किन्नू हो चाहे आपका मौसमी हो चाहे माल्टा हो संतरा हो सभी, क्लोवर है, कॉर्निफर्स है, कॉर्न यानी जो हमारी मक्का है, लेट्यूस है, ओनियन है, ओनियन में बोरोन की बहुत जरूरत है, आड़ू है, पीनट्स है, पियर, सनफ्लावर, स्वीट कॉर्न, स्वीट पोटेटो, सुगर बीट, टेबल बीट, टोमेटो, टर्निप, ये फसलें ऐसी हैं जिनको ज्यादा मात्रा में बोरोन चाहिए। और बोरोन जैसे मैंने कहा था ये सोयल में जो इसका अपटेक होता है वो 3 तरीके से होता है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा अपटेक होता है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा होता है, यानी जब पौधे में
जब पानी ऊपर जाता है उसके साथ में ही बोरोन पौधा ले लेता है। अब इसके हमने फैक्टर्स जाने, क्या फैक्टर हैं, हमने इसके फंक्शन जाने, अभी हम इसको जानेंगे कि इसकी डिफिशियंसी कहाँ आएगी या उसके क्या लक्षण हमको दिखाई देंगे। तो जैसे इसके जो हमने देखा कि पौधे के अंदर ये इमोबाइल है, यानी जहां पे ये जाएगा जाइलम के थ्रू इसमें अटैक होता है। पौधे में जाइलम फ्लोएम जैसे हमने बताया था दो रास्ते होते हैं, तो जाइलम के थ्रू ये पौधे के अंदर जाएगा और जहां पे जाता है वहां से ये दूसरी जगह पे मूव नहीं होता। इसका मतलब इसकी जो कमी के लक्षण है वो हमको कहाँ दिखाई देंगे, बिल्कुल जो यंग कच्ची पत्तियां हैं, जो यंग लीव्स है, जो बिल्कुल ग्रोइंग पार्ट है पौधे का, वहां पे इसकी कमी के आपको लक्षण दिखाई देंगे। इसी तरह से जो फ्रूट्स है, जैसे मैंने कहा था फ्रूट्स के अंदर जो सेल वाल का ये एक तरह से उसको फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, तो इसका मतलब वहां पे अगर इसकी कमी होगी तो वो जो फ्रूट की क्रैकिंग भी आ सकती है अगर ज्यादा कमी होगी, और कोर की वो हो जाती है जैसे एप्पल वगैरह में, और इससे जड़ें जो हैं उनकी बढ़वार भी, रूट की ग्रोथ भी कम हो जाती है। तो फ्रूट्स के अंदर इस तरह की कमी आती है। कॉटन जैसे जो कपास की फसल होती है उसमें इसकी पौधे की बढ़वार उग जाती है, और जो ऊपर की जो टर्मिनल जो ग्रोथ कहते हैं यानी ऊपर का जो हिस्सा होता है वो छोटा हो जाता है। इसी तरह से कभी कभी अगर बोरोन की ज्यादा कमी आ जाती है तो उसके कारण जो ग्रोविंग पार्ट है वो बर्न होके जल जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, यानी वो जल जाता है ऊपर से भूरे रंग का होके। उसका कारण ये है क्योंकि जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये जो सुगर और स्टार्च का ट्रांसलोकेशन बोरोन के द्वारा होता है, अगर बोरोन की कमी हो जाएगी तो पौधे के अंदर जो खाना बना था जो फोटोसिंथेसिस में, वो ट्रांसलोकेट नहीं हो पाएगा जो कच्चे हिस्से हैं पौधे के वहां पे। तो वहां पे अगर ट्रांसलोकेट वो शुगर नहीं हो पाएगी, स्टार्च नहीं हो पाएगी, उनको भोजन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, वो जल जाएगी, सूख जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह के लक्षण भी दिखाई हमको दे सकते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। अगर आप फील्ड में जाएं तो इस तरह के लक्षण जरूर नोट करें। एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है, और मैंने कहा था कि पोटाश और बोरोन दोस्त हैं आपस में, तो अगर ये कम होगा बोरोन तो इसका दोस्त जो पोटास है वो भी नाराज हो जाएगा, वो कहेगा मैं भी कम, धीरे धीरे मतलब बिना मूड के वो एक तरह से पौधे में अपटेक होगा। तो इसकी अपटेक पोटास का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो सबसे मेजर न्यूट्रिएंट में आता है एनपीके में, तो इसलिए पोटास को अगर खुश रखना है तो हमें बोरोन भी देना पड़ेगा। डेथ जैसे मैंने कहा था ग्रोइंग पार्ट की जो डेथ होती है क्योंकि वहां पे शुगर और स्टार्च का जो कंसंट्रेशन है वो पौधे में वहां पे मिल नहीं पाता, इसलिए जो ऊपर के ग्रोइंग पार्ट है वो उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने मक्का का एक जिक्र किया था, मक्का के अंदर भी बोरोन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वहां पे तो नर और मादा फूल अलग अलग है एक ही पौधे में लेकिन अलग अलग है, तो वहां पे क्या हो रहा है आपका जब और उसका जो फीमेल पार्ट है वो बहुत लंबा है, उसकी जो स्टिग्मा स्टाइल है वो ओवरी तो बिल्कुल अंदर है, तो वहां पे इसका बोरोन का रोल बहुत ज्यादा होता है। अगर वहां पे बोरोन की कमी आती है ऐसी अवस्था में तो वहां पे जो उसमें जो सीड है मक्का के अंदर वो दाने पूरे नहीं मिलेंगे, नहीं वो जो मक्का का भुट्टा है उसमें बीच बीच में दाने मिसिंग हो जाएंगे। इसीलिए इसी प्रकार इस पौधे में बांझपन भी आ जाता है क्योंकि इसका सीधा सीधा जो रोल है मैंने कहा था उसके जो अपना परागकण होते हैं उनके जर्मिनेशन में है, तो ये स्टरिलिटी भी पौधे में क्रिएट हो जाती है इससे। और कुछ क्लासिकल बीमारियां हैं जो बोरोन की कमी से होती है, जैसे हार्ट रोट होती है शुगर बीट के अंदर, और अगर आप गोभी लगाते हैं तो गोभी का फूल जो पीले रंग का हो जाता है कभी कभी, जिसका बहुत ज्यादा पीलापन आता है, या उसमें ब्राउन भूरे भूरे से बीच में धब्बे बन जाते हैं, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, वो बोरोन की कमी से होते हैं। इसी तरह से गोभी के अंदर उसका हेलो स्टेम बोलते हैं, नहीं उसका जो अंदर से तना है वो खोखला हो जाता है, अगर हम लंबाई में गोभी को काटेंगे आप बीच में से देखेंगे पता लगेगा उसका तना बीच में से खोखला है एक तरह से, वो बोरोन की कमी से होता है।
इसी तरह से जो स्वीट पोटैटो जो शकरकंद होती है उसमें ब्राउन स्पॉट बन जाते हैं पत्तियों के ऊपर, तो ये इसकी कमी के कुछ मेन लक्षण हैं। अब हम कहाँ से दे सकते हैं बोरोन? हमारे पास में तीन चार ऑप्शन है बहुत अच्छे। एक बोरेक्स है, मैंने इस पे भी काफी इनको देखा, इसमें मे भी अलग अलग हो। बोरेक्स को हम सोडियम टेट्रा बोरेट भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ मैंने इसके कुछ अलग अलग नाम भी मिले मेरे को, मे भी अलग अलग स्टेट में इसको कुछ और कहते होंगे। इसको कुछ लोकल भाषा में सुहागा भी कहते हैं, शुद्ध सुहागा। ये आपको पंसारी की दुकान पे भी मिलता है। बाकी हम आजकल जो बोरोन यूज करते हैं वो जो मैंने इसमें थर्ड नंबर पे लिख रखा है सोलू बोर, यानी जो 20% वाटर सोल्यूबल बोरोन आती है वो हम यूज करते हैं, तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है। तो बोरोन के हमारे पास काफी सोर्स हैं और इनके द्वारा हम बोरोन की जो है वो पूर्ति कर सकते हैं। ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है तो इसके आसानी से उपलब्ध भी होता है। तो आप बोरोन का उपयोग मैं कहूंगा जरूर कीजिएगा अपनी क्रॉप में, आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। ये इसकी डिफिशियंसी देखिए, जैसे मैंने डिस्कस किया था गोभी के अंदर दिखाई हुई है, इसके अंदर बीच में से पीलापन आता है फूल के अंदर, प्लस इसमें सेंटर में या जगह जगह पे ब्राउनिश हो जाते हैं जो कार्ड बन जो इसका बनता है। और हेलो स्टेम की जो मैं बात कर रहा था वो इस तरह से, जब हम उसको लंबाई में अगर फूल को काटेंगे तो आपको उसके अंदर से तना उसका खोखला भी दिखाई देगा। तो ये भी एक इसका लक्षण है कि इसकी कमी के जो लक्षण दिखाई कैसे देते हैं हमारे। टर्निप, टर्निप की जो हम बात कर रहे थे उसके अंदर भी उसका जो ऊपर से पार्ट है वो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोने में फोटो देख रहे हैं, वो उसकी पत्तियां गल के ऐसे हो जाती है। टमाटर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आप सब्जियां लगाते हैं और टमाटर लगाते हैं आपको अगर इस तरह की क्रैकिंग दिखाई देती है तो ये बोरोन की कमी के लक्षण हैं। पत्तियों में आप इस तरह से देखेंगे जो ऊपर की यंग पत्ती के जो नीचे की होती है, ये यंग पत्ती है और इसकी जो नीचे की लीफलेट होती है, ऊपर की नहीं नीचे की लीफलेट में कुछ आधा हिस्से में पीलापन सा आता है। अगर ऐसा हो रहा है तो 100% वो बोरोन की कमी है। तो इसलिए उसको हमको ये लक्षण, आप जब भी फील्ड में जाए ऊपर की कच्ची पत्तियों को देखें, आपकी कोई भी फसल हो यंग लीव्स में इसकी कमी आती है, इस तरह के आपको लक्षण दिखाई देंगे। अगर आप पपीता लगाते हैं, ग्रेप्स में जैसे फ्रूट सेटिंग कम हो जाती है, फ्रूट का जो ग्रेप्स जो अंगूर बनता है उसका साइज छोटा रह जाता है, इसी तरह से पपीते के अंदर अगर ऐसे कुबर टाइप हो जाते हैं कई बार पुअर फ्रूट सेटिंग के कारण, अगर इस तरह के आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो ये 100% हमारा बोरोन की कमी है। मक्का की जैसे मैंने आपको बात कही थी, अगर आप मक्का लगाने वाले हैं तो मक्का के अंदर बहुत जरूरी यही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था उसमें मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग होते हैं, तो उसके अंदर जो मिसिंग हो जाते हैं अंदर बीज नहीं बन पाते पूरे, तो इस तरह की आपको उसमें कमी दिखाई दे सकती है मक्का के अंदर। कुकुम्बर, क्योंकि आप में काफी सारे ग्रोवर जुड़े हुए हैं, पोली हाउस से भी आप में काफी सारे ग्रोवर जुड़े हुए हैं, तो अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दे जैसे आगे की पत्तियां छोटी हो जाती है, फ्रूट टेढ़ा मेढ़ा होके पीला हो जाता है और पत्तियां ऐसे किनारों से जलने लग जाती है, या वो आगे का जो लीफ टिप जो है जिसको हम कहते हैं वो अगर पीली पड़ती है, तो ये बोरोन की कमी के लक्षण है। खास करके ये जो लेफ्ट साइड की फोटो है इस तरह का अगर आपको लक्षण दिखाई दे रहा है तो बोरोन की कमी के लक्षण हो सकते हैं। अब मैं कहूंगा कि कमी अगर आप बोरोन यूज नहीं कर रहे हैं तो वहां पे कमी हो सकती है, लेकिन आप में बहुत सारे ग्रोवर जुड़े हुए हैं जो पोली हाउस में खेती करते हैं और वहां पे वो बोरोन की कमी नहीं होने देते, क्योंकि ये बहुत सस्ता आता है बाजार में। मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो भी 400 से 500 रुपए किलो आता है, और बोरोन जो है उसमें 20% बोरोन होती है, वाटर सोल्यूबल है, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, आप उसको ड्रिप में दे सकते हैं। तो इसके साथ में एक दूसरा तथ्य भी जुड़ा हुआ है, वो है इसकी टॉक्सिसिटी। मैंने ये काफी फील्ड में भी देखा है, और खास करके अगर आप बोरोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल आप सावधान हो जाइएगा, क्योंकि आगे की जो फोटो देखने वाले हैं वो बड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी भी होती है। और
मैंने कुछ रिसर्च पेपर देखे हैं, कुछ फॉरेन कंट्रीज में इसको एज ए हर्बिसाइड यूज करते हैं। वो हर्बिसाइड का मतलब जो खरपतवार को जलाने के लिए बोरोन का स्प्रे करते हैं, यानी अगर आप इसका ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो भी खतरनाक है। इसीलिए मैंने एक यहाँ पे आप मिट्टी टेस्ट करवाइए। आप अगर आप पेरेनियल क्रॉप जैसे लगा रहे हैं, यानी ऐसी फसल जो आपकी लंबी चलती है 5-6 महीने, या ऐसी फसलें जो फ्रूट प्लांट्स हैं उसके अंदर आप लीफ टेस्ट भी करवा सकते हैं। लीफ यानी पत्ती का टेस्ट हमने मिट्टी में दिया लेकिन प्लांट ने उतना लिया या नहीं, कहाँ से पता लगेगा जब हम पत्ती की जांच करवाएंगे। तो इसके ऊपर भी मेरे पास एड्रेस है, अगर आपके पास में ऐसी कोई लेबोरेटरी है आप वहां से भी करवा सकते हैं। लास्ट में मैं मेरा नंबर भी शेयर करूंगा, अगर किसी को इसके अलावा कुछ जरूरत होगी, क्वेश्चन आंसर भी होंगे वहां से आप ले सकते हैं। तो आप मिट्टी की जांच करवाएं और पत्ती की जांच कराएं, ऐसी फसलें जो 5 महीने 6 महीने से ज्यादा चलती है, जैसे आप टमाटर में करवा सकते हो, आप शिमला मिर्च में करवा सकते हो, और फ्रूट प्लांट्स जितने भी अगर आप में से ऐसे किसान हैं जो फ्रूट प्लांट्स इनके लगे हुए हैं, उनके लिए तो मैं कहूंगा कि मैंडेटरी है कि आप पत्ती टेस्ट लीफ टेस्ट जरूर करवाएं, ताकि हमें ये पता रहे कि हमने जो पौधे को दिया था उस पौधे ने उतना लिया या नहीं लिया, कौन से पोषक तत्व की कमी है। तो इसमें अगर आप लीफ टेस्ट करवा रहे हैं तो जो सबसे जो यंगेस्ट लीफ होती है, मेच्योर लीफ, ऊपर की जो, क्योंकि इसकी कमी कहाँ आ रही है, ऊपर की पत्तियों में, तो ऊपर की जो कच्ची पत्तियां हैं वहां पे जो सबसे मेच्योर लीफ हो, यानी जो यंग लीफ हो, उसका आपको सैंपल लेके और उसके अंदर आपको बोरोन टेस्ट करवाना है। इसीलिए ये टेबल मैंने दी है, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि एक स्टैंडर्ड कितना है, बीच वाला जो है वो स्टैंडर्ड है। जैसे अगर मैं कुकुम्बर की बात करूं तो अगर 20 ppm से कम उसके अंदर, सॉरी मिलीग्राम पर केजी या ppm से कम अगर होता है 20 ppm तो उसके अंदर वो कमी है। अगर 40-120 ppm के अंदर वो है तो वो सही मात्रा में है, और अगर 300 ppm से ज्यादा होता है तो वो आपके टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। टमाटर में जैसे ऐसी रेंज होती है, 14 ppm से कम है तो इसका मतलब वो डिफिशियंट है, 36 ppm है तो इसका मतलब वो सही है, और 90 ppm जाता है तो इसका मतलब टॉक्सिसिटी आती है। टॉक्सिसिटी का मतलब है जब आपको उसकी पत्तियों पे कुछ अलग से लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कमी के दिखाई दे रहे थे। तो ये एक रेंज है, और मैं कहूंगा कि यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है, अगर आप खीरा लगाने वाले हैं और पोली हाउस वाले, नेट हाउस वाले खासकर, तो इसकी जो टॉक्सिसिटी रेंज है वो काफी बड़ी है, यानी 300 ppm के बाद इसमें टॉक्सिसिटी सिम्टम आते हैं। और इसी तरह से कॉलीफ्लावर है, गोभी में इसकी टॉक्सिसिटी आ सकती है, जैसे 100 ppm से ऊपर जाएगा तो ये इसके टॉक्सिसिटी के कुछ वो हैं जो सिम्टम हैं जो हमको दिखाई दे सकते हैं। तो इनका मैं आगे आपको फोटो भी दिखाता हूँ। और जैसे मैंने कहा, आप इसमें मिट्टी की जांच करवाएं, अपनी पत्ती की जांच करवाएं अगर आप लंबी अवधि की फसल लगा रहे हैं तो, ताकि हमको उसका करेक्ट अगर हम जान पाएंगे तो हमारा पैसा भी बचेगा प्लस हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। जैसे ये कुछ मैंडरिन और स्वीट ऑरेंज है, उसके अंदर आपको अगर इस तरह के जो यंग लीफ में अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो ये बोरोन की टॉक्सिसिटी है। इसी तरह से अगर जो हमारा सावर ऑरेंज होता है, या एक सिट्रोमेलो, स्विंजल सिट्रोमेलो, ये कुछ फॉरेन कंट्रीज के हैं, अपने शायद यहाँ नहीं होते, मेरे को कुछ नेट से ये फोटो मिले, वहां पे अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये आपकी बोरोन की टॉक्सिसिटी है, न कि कमी है। इसी तरह से अगर नींबू के अंदर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, या बनाना, हालांकि हम नहीं लगाते, बनाना में इस तरह से अगर हाई उसकी होती है, ऊपर की पत्ती है जो स्वस्थ है पूरी मात्रा उसमें, और नीचे की पत्ती जो है उसमें मात्रा कम है, तो आपको इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। अभी मैं एक थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, रीजन ये है।